नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। इतिहास की गवाही का कारवां अब पहुंच चुका है 90 के दशक में। पिछले दशक में हमने देखा कि कैसे मंडल और कमंडल की राजनीति की बुनियाद पड़ चुकी थी। इस राजनीति की वजह से जहां बीजेपी ताकतवर हुई, वहीं नेशनल पॉलिटिक्स में रीजनल लीडर्स का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया। नुकसान हुआ तो सिर्फ कांग्रेस का। राजनीति में बढ़ते पोलराइजेशन के बीच 1991 का चुनाव हुआ। इक्कीस मई 1991, श्री पेरम्बदूर। इक्कीस मई 1991 की रात चुनाव प्रचार के लिए राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर पहुंचे। रात के 10:21 हुए थे। राजीव गांधी लोगों से मिलते हुए मंच की तरफ बढ़ रहे थे। तभी धनु उर्फ गायत्री नाम की एक महिला आई। वो राजीव गांधी का पैर छूने के लिए झुकी, तभी हो गया जबरदस्त धमाका। राजीव गांधी समेत 14 लोगों की मौत हो गई। धनु LTTA की आत्मघाती हमलावर थी। उसने राजीव गांधी हत्याकांड को अंजाम दे दिया। तो मुझे बताया गया कि टेलीविजन पे खबर आ रही है कि राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई है। तो मैंने टेलीविजन लगाया तो उस पर न्यूज थी। मैं एकदम तुरंत वहां पर 10 नंबर के लिए चला गया। वहां जब पहुंचा तो वहां पर इस जानकारी को ऑलरेडी वहां पर ये जानकारी थी। लगता है कि वहां से मद्रास से मोपनडार ने या किसी और नेता ने सोनिया गांधी जी को इत्तला दी थी। 1990 में एक मैगजीन को इंटरव्यू के दौरान राजीव गांधी ने कहा था कि अगर वो सत्ता में दोबारा लौटे तो फिर से श्रीलंका में भारतीय सेना भेजेंगे। इस बयान के बाद LTTE राजीव गांधी की जान का दुश्मन बन गया। श्रीलंका के जाफना में राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश रची गई और फिर आई वो तारीख जिसने राजीव गांधी को इतिहास के पन्नों में समेट दिया। राजीव गांधी की हत्या के पीछे LTTE का हाथ था। 1987 में श्रीलंका के साथ राजीव गांधी ने समझौता किया। समझौते के बाद भारतीय शांति सेना श्रीलंका पहुंची और LTTE के खिलाफ सैनिक अभियान चलाया। यह अभियान 3 साल तक चला, जिसमें भारतीय फौज को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। राजीव गांधी के इस फैसले ने न सिर्फ LTTE को दुश्मन बना लिया, बल्कि इससे तमिलनाडु की राजनीति भी सुलग गई। खुद राजीव गांधी जब श्रीलंका गए तो उन पर हमला हो गया। इतना दृढ़ निश्चय था उनका और देश के प्रति उनकी भक्ति जो थी और देश की एकता अखंडता के लिए जो चिंता उनके मन में थी, उन्होंने अपनी जान की चिंता नहीं की। सोनिया गांधी का भय जो था, बाद में साबित भी हुआ, सही भी हुआ। 1990 की राजनीतिक अस्थिरता से LTTE को लगा कि राजीव गांधी दोबारा सत्ता में लौटेंगे। इस वजह से भारत की जमीन पर पहली बार मानव बम का इस्तेमाल हुआ और श्री पेरम्बदूर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। '91 में 3 चरणों में चुनाव हुए। राष्ट्रीय मोर्चे के जनता दल से अलग होकर चंद्रशेखर ने जनता दल समाजवादी बना ली। चंद्रशेखर ने यह चुनाव लड़ा
कांग्रेस के 40 साल बनाम उनकी सरकार के 4 महीने के नाम पर। 1991 के चुनाव में अडवाणी जी की गिरफ्तारी को बीजेपी ने हिंदुत्व के लिए शहादत के तौर पर प्रोजेक्ट किया। राजीव गांधी के लिए 1991 का चुनाव अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि सत्ता में वापसी का। चुनाव प्रचार के दौरान खुद मैंने टेलीविजन के लिए राजीव गांधी का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू में राजीव गांधी ने कहा था कि 1991 का चुनाव नेहरू इंदिरा परिवार की विरासत के लिए अस्तित्व का सवाल बन चुका है। राजीव गांधी ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि उन्हें एहसास था कि मंडल कमंडल की राजनीति से कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक खिसक चुका है। राजीव गांधी हत्याकांड से पहले एक दौर का चुनाव हो चुका था। पहले दौर में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। हत्याकांड के बाद दोनों चरणों के मतदान में राजीव गांधी की शहादत से कांग्रेस को फायदा। ९९ के चुनाव में 224 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। लेकिन बहुमत नहीं मिला। 1989 के चुनाव में 88 सीटें जीतने वाली बीजेपी का आंकड़ा 120 पर पहुंच गया। इसी वक्त यूपी विधानसभा के चुनाव भी हुए, जिसमें बीजेपी को मिल गया पूर्ण बहुमत। सबसे ज्यादा नुकसान वीपी सिंह के जनता दल और चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी को उठाना पड़ा। दो हिस्सों में, दो चरणों में चुनाव हुआ था उस समय। राजीव गांधी की मृत्यु से पहले के जो नतीजे आए, वो उनमें कांग्रेस ज्यादातर जगहों पर हार गई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी अस्थियां लेकर के, राख लेकर के बचे हुए चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेसी उम्मीदवार घूमे, तब उनकी सीटें ज्यादा आई, क्योंकि औरतों ने राजीव गांधी को बहुत ज्यादा उनकी मौत के ऊपर संवेदना में वोट दिया। 1991 में कांग्रेस के सामने प्रधानमंत्री का सवाल उठा तो कई नाम सामने आए, लेकिन कांग्रेस ने एक ऐसे नेता को प्रधानमंत्री चुना जिसे 1991 के चुनाव में पार्टी ने लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया था। जब कांग्रेस नेता पार्टी का फैसला बताने के लिए उस नेता के घर पर पहुंचे, तो वो अपने घर में ताला लगाकर हैदराबाद जाने की तैयारी कर रहे थे। इनफैक्ट उनका बोरिया बिस्तर तक हैदराबाद जा चुका था। वो नेता कोई और नहीं बल्कि रिटायरमेंट मोड में आ चुके पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनका अब राजयोग शुरू होने वाला था। कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में अर्जुन सिंह और शरद पवार शामिल थे, लेकिन पार्टी के अंदर विरोधियों ने दोनों को रेस से बाहर कर दिया। आखिरकार कांग्रेस ने नरसिम्हा राव को नेता चुना। 21 जून 1991 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कोई भी शरद पवार को प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहता था, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि अंदाजा यह था कि अब जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस वापस आएगी। इसलिए शरद पवार के खिलाफ सीताराम केसरी ने पूरी व्यूह रचना की, और जब तक शरद पवार दिल्ली लैंड करते, हवाई जहाज से उड़ चुके थे, वो 2 घंटे के दौरान खेल हुआ। सीताराम केसरी ने उसी दौरान सारी बाजी नरसिम्हा राव जी के पक्ष में बना दी। वक्त ने उनको पकड़ के रोक लिया और वो कांग्रेस अध्यक्ष बने और प्रधानमंत्री बन गए। इसमें कोई शक नहीं, कुछ जा रहे थे, एक ट्रक, 2 ट्रक में उनका सामान जा रहा था हैदराबाद, एक ट्रक चला गया था, एक रह गया था, और उसी समय उनको रुकना पड़ा और फिर वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने से पहले पीवी नरसिम्हा राव के पास सरकार चलाने का लंबा तजुर्बा था। 1971 से 73 के बीच वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इंदिरा से लेकर राजीव गांधी कैबिनेट में नरसिम्हा राव वरिष्ठ मंत्री थे। इंदिरा और राजीव गांधी के समय तक नरसिम्हा राव ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को दफन रखा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरसिम्हा राव के अंदर
सत्ता की ललक पैदा हुई। ये वो दौर था जब राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने खुद को कांग्रेस से दूर कर लिया था और नरसिम्हा राव के निकट के लोगों ने स्वयं को सोनिया गांधी से। कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह अपनी किताब अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आर ग्लास ऑफ टाइम में लिखते हैं कि राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। राजीव जी की हत्या के तुरंत बाद आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट से ऑफर की गई थी, केसरी जी वगैरह तमाम लोग आए थे आपके पास, लेकिन उस समय आपने क्यों इसको मना कर दिया, इस ऑफर को क्यों डिक्लाइन कर दिया आपने? मैंने इस ऑफर को डिक्लाइन किया था क्योंकि राजीव जी मेरे लिए सब कुछ थे और इस समय मैं किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकती थी। इस बात से नरसिम्हा राव बहुत नाराज हुए। अर्जुन सिंह के मुताबिक नरसिम्हा राव ने कहा कि कांग्रेस क्यों ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें सभी डिब्बों को नेहरू गांधी खानदान के इंजन से जुड़ना पड़ता है। फिर भी नरसिम्हा राव एक स्टेट्समैन थे जिनकी हर पार्टी में पैठ थी। खुद अटल बिहारी वाजपेयी संसद में इसका जिक्र करते हैं। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। लोग कहते हैं कि ये पहली बार है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री और लीडर अपोजिशन की इतनी दोस्ती है। भारतीय राजनीति में हम एक दूसरे को शत्रु मानकर चले ये ठीक नहीं है। पॉलिटिकल एडवर्सरी होते हैं, एनिमी नहीं होते। लेकिन हिंदुत्व और अयोध्या पर बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। 1991 के चुनाव के बाद पहली बार यूपी में कल्याण सिंह की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल में भी बीजेपी ने सरकार बनाई। इस कामयाबी ने बीजेपी को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के अभियान को और हवा दे दी। वीएचपी ने 6 दिसंबर 1992 से अयोध्या में कार सेवा का कार्यक्रम घोषित कर दिया। आडवाणी ने फिर कैंपेन चलाया। बीजेपी के तमाम नेता कार सेवा के लिए लोगों के बीच जाने लगे। नुकीले पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा, मैं नहीं जानता संवाद क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया हुआ है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, पराजय किया। ये उस दौर की राजनीति की तस्वीर थी जिसकी बुनियाद मंडल की प्रतिक्रिया में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बीजेपी के नरमपंथी नेता भी राम और अयोध्या की राजनीति से नहीं बच पाए। आने वाले दिनों में इस राजनीति का अंजाम क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। नरसिम्हा राव के समय राम और अयोध्या का मुद्दा
शबाब पर पहुंच चुका था। 1992 आते आते बीजेपी को अयोध्या का चस्का लग चुका था, क्योंकि राम के नाम पर ही पार्टी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी। राम के नाम पर ही बीजेपी की सीटों की संख्या 2 से बढ़कर 120 तक पहुंच चुकी थी। मंदिर और मंडल की राजनीति में संघर्ष जारी था। नरसिम्हा राव कुछ करने को तैयार नहीं दिखते थे और बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। लिहाजा इतिहास के पन्नों में वो तारीख भी दर्ज हो गई जिसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए कलंक माना जाता है। देश भर में तनाव बढ़ गया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने का दबाव बढ़ा। नरसिम्हा राव ने कहा कि तनाव बढ़ने की सूरत में उनके पास प्लान बी तैयार है। कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि वो बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। जिस दिन ढांचा ढाया गया मैंने वक्तव्य दिया था और मैंने कहा था कि अच्छा नहीं हुआ। नरसिम्हा राव कैबिनेट के मंत्री अर्जुन सिंह अपनी किताब अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आर ग्लास ऑफ टाइम में लिखते हैं कि 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। नरसिम्हा राव ने सख्त हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें किसी भी परिस्थिति में परेशान न किया जाए। नरसिम्हा राव को ये तो पता था कि कार सेवक वहां इकट्ठे हो रहे हैं, और अगर आपने सचमुच उसको बचाना है तो कार सेवक को इकट्ठे ना होने दीजिए, तो उसने होने दिया। मैं समझता हूं कि नरसिम्हा राव की कनाइवेंस थी कि भाई हाँ अगर हो रहा है तो होने दो। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को मौजूद बीबीसी संवाददाता मार्क तुली कहते हैं कि उस दिन अयोध्या में ना तो कानून था और ना सरकार। कल्याण सिंह सरकार की सरपरस्ती में कार सेवकों को सब कुछ करने की पूरी छूट थी। अधिकारियों का कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार। किसी कोर्ट में केस चलना है तो मेरे खिलाफ चलाओ, किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ, और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे दो। और जब मैंने देखा कि पुलिस सब आ गया और ये कार सेवक मस्जिद के अंदर घुस गया और गुम्बद के ऊपर पहुंच गया, मैं मुश्किल से अयोध्या से फैजाबाद किया था, क्योंकि अयोध्या में टेलीफोन लाइन सब खराब हो गया और फैजाबाद में खबर भेज दिया बीबीसी लंदन को कि मैंने कहा था कि ये शुरू हो गया और पुलिस भाग गया, इसलिए स्पष्ट है कि पूरा इमारत पूरा मस्जिद गिर जाए। साधु देखो जग पुराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे। बाबरी कांड से देश में धर्म निरपेक्षता की बुनियादें हिल गई। मुंबई, दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद समेत देश के कई शहरों में दंगे भड़क पड़े। 6 दिसंबर की घटना के जवाब में मार्च 1993 में मुंबई में 13 सीरियल बम धमाके हुए, करीब 350 लोग मारे गए। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया और 4 महीने बाद ही मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए। यह पहला मौका था जब देश में
पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी वारदात हुई। 1993 के ये वही मुंबई सीरियल ब्लास्ट हैं जिसे दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने अंजाम दिया। अयोध्या की राजनीति ने देश का पूरा हिसाब किताब बदल दिया। नरसिम्हा राव के शासनकाल में और क्या क्या हुआ हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए न्यूज 24।